हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक और मजेदार अपडेट के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। तो क्या इस बार बिग बॉस 17 में लक्ष्य चौधरी और थगेश जाने वाले हैं? क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ह्यूमर फैल रहा है कि बिग बॉस 17 में लक्ष्य चौधरी और थगेश जाने वाले हैं। तो इसी चीज को क्लियर करते हुए लक्ष्य चौधरी और थगेश ने ट्वीट करके बताया कि वो नहीं जा रहे हैं बिग बॉस 17 में। लक्ष्य चौधरी ने कहा, नहीं जा रहा भाई, नहीं जा रहा, घर पर पड़ा हूँ अपने, कहीं नहीं जा रहा। और थगेश ने कहा, आई एम नॉट गोइंग टू बिग बॉस 17। गाइस स्टॉप मेकिंग न्यूज टॉकिंग अबाउट लक्ष्य चौधरी। तो लक्ष्य चौधरी ने अपने न्यू वीडियो का हिंट देते हुए ये स्टोरी लगाया जिसमें लिखा कि न्यू वीडियो और सर्च बार में लिखा गरीब की। तो गाइस ये हिंट देख के आपको क्या लगता है लक्ष्य चौधरी की न्यू वीडियो किस टॉपिक पे हो सकती है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। टॉकिंग अबाउट थगेश, तो थगेश ने अपने स्टोरी में ये फोटो शेयर करते हुए लिखा कि शूट द फाइनल एपिसोड ऑफ द थगेश शो सीजन 1, फाइनल 2 एपिसोड कमिंग वेरी सून, गुड बाय टू द लवली सेट फॉर नाउ। बेसिकली थगेश को यहाँ पर कहना है कि उनका थगेश शो का पहला सीजन खत्म हो गया है और बहुत ही जल्द सीजन 2 आने वाला है। गाइस अब हम बात करते हैं एल्विस यादव की। तो एल्विस यादव के एक फैन है जो कि लंदन में रहते हैं और उनका नाम है यश। तो यश जब लंदन में जाके एल्विस यादव से मिलते हैं तो यश एल्विस से ये पूछते हैं, भाई क्या चल रहा है आपका और फुकरा इंसान के बीच में, कौन चला रहा है निगेटिव पिया। तो इस पर एल्विस यादव ने रिप्लाई दिया, अभी तो नहीं लेकिन बहुत ही जल्द मैं जरूर सबको बताऊंगा कि आखिर कौन चला रहा है निगेटिव पिया। बाकी गाइस यश की ये वीडियो देखनी है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। टॉकिंग अबाउट एल्विस यादव, तो एल्विस यादव ने अपने आज के व्लॉग में बताया कि उनका लंदन में एक अंग्रेज के साथ नोकझोंक हो गया। तो इसके बारे में बात करते हुए एल्विस यादव ने कुछ ये कहा। ये वाली बात मैंने तुम तो बताई ना थी, जो अंग्रेजी की हमारी लड़ाई बजी थी उसको पूरा रिकॉर्ड नहीं करा हमने। यहाँ पे ऐसा सीन रहा, अगर कोई किसी का हाथ लगा दे मतलब मार दे तो उस पर 15,000 pounds का फाइन रहा। तो वो उकसा रहा था कि मैं उसे मतलब मारपीट मचाऊँ और उसको 15,000 pounds मिल जाए कि भाई एल्विस सर ने तो मारा, तो वे उस चक्कर में लड़ाई थोड़ी बज रही थी। बाकी गाइस अब हम बात करते हैं सौरभ जोशी की। तो सौरभ जोशी का एक फैन जब सौरभ जोशी से मिलता है तो मिलते ही सौरभ जोशी को एडवाइस देने लगता है और कहने लगता है कि आप अपने वीडियो में पैसा इन्वेस्ट करो, मजा आ जाएगा। तो इस पर सौरभ जोशी का क्या रिएक्शन था आप देखिए। और भाई का वीडियो बना दो, मैं बता रहा हूँ सबसे खतरनाक बंदे आप हो। मैं तो बता रहा हूँ थोड़े व्लॉग में अच्छा पैसा डालो, मजा आ जाएगा, असली कंटेंट आ जाएगा, फैमिली कंटेंट। पैसा डालने जा रहा हूँ और पैसा डालो, कोरिया जा रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? हाँ गाइस अब हम बात करते हैं अमित भड़ाना की। तो अमित भड़ाना ने अपने न्यू वीडियो का अपडेट देते हुए कहा कि कल उनका SSC सीजन का फर्स्ट एपिसोड आने वाला है और उन्होंने क्या कहा आप देखिए। कल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पहला एपिसोड SSC का आ रहा है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने पहले से पहले प्रीमियर लगा दिया है कि उस पर ढेरों सारे लाइक ढेरों सारे कमेंट आ जाए और वो आप चाके कर दो। सो बात करते हैं दिल्ली मेट्रो वायरल वीडियो के बारे में। बेसिकली दिल्ली मेट्रो का एक वायरल वीडियो हो रहा है जिसमें ये कपल सॉफ्ट ड्रिंक पीकर एक दूसरे के मुंह में स्प्रिट कर रहे हैं। गाइस ये देखने में एकदम घिनौना है। इस पर दिल्ली मेट्रो ने बताया कि वो इस पर एक्शन ले रहे हैं और दिल्ली मेट्रो ने इस कपल्स पर फाइन भी लगाया है जैसा कि आप देख सकते हैं। और गाइस ऐसे ही सेम न्यूज पुणे नागपुर की फ्लाइट से आ रहा है जिसमें एक बंदा फ्लाइट के अंदर ही मास्टरबेट कर रहा था और उस बंदे के बगल एक बैठी महिला को वो गंदे इशारे भी कर रहा था और जब फ्लाइट लैंड हुआ तो उस बंदे को अरेस्ट भी कर लिया गया। गाइस अब हम बात करते हैं कैरी मिनाटी की। तो कैरी मिनाटी ने अपने यूट्यूब कम्युनिटी पे ये फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि सपने पूरे करो, नींद के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। गाइस कैरी मिनाटी की ये मोटिवेशन लाइन सुन के इतना तो पता चल गया है कि आखिर मैं क्यों नियॉन मैन और न्यूज बॉय से पीछे हूं। अस ब्रो अस। बस गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये छोटी सी अपडेट पसंद आई हो, पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।